सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे में एक गार्ड के लापता होने का दावा किया जा रहा है। एक महिला ने बताया कि पुल पर काम करने वाले उनके परिजन कल शाम से ही घर नहीं पहुंचे। सुल्तानगंज अगुवानी पुल गिरने के बाद आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ गोताखोरों की मदद ली जा रही है। गंगा नदी में बोट के जरिए इस बात का पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या वाकई पुल गिरने के बाद कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। हालांकि सर्च टीम को अभी कोई कामयाबी नहीं मिली। इस बीच एक महिला का रो रो कर बुरा हाल है। कितनी उम्र थी उनकी? बाबू उम्र 35 हुए तारो कत्ते होते तो क्या कल शाम से वो नहीं आए हैं? मोटरसाइकिल लगेलो छे हो दस्तखत करी को ऊपर चढ़लो छे हो उसके बाद ओकरन मोबाइल में फोन लगबे रहे 4 बजे से नहीं लागे रहे। घटना कल शाम की है। कहा जा रहा है कि पुल गिरने से पहले काफी सारे मजदूर काम खत्म कर वापस लौट रहे थे। वहीं गोताखोरों का मानना है कि घटना को काफी समय बीत चुका है, ऐसे में अगर कोई मलबे में दबा है तो फिर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा। देखिए बॉडी अगर मलबे के नीचे नहीं दबे हो गया तो वो अगर बाहर होगा तो 24 घंटा के अंदर में वो फेंक सकता है, तो हम रेस्क्यू करके वो बॉडी को खोज सकते हैं सर।